वन स्टॉप सेंटर और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने एक नाबालिग की शादी पर रोक लगा दी है। नाबालिग का आज विवाह होना था, बारात सेराघाट से आनी थी। टीम के पहुंचने के बाद माता पिता ने शपथ ली और 18 वर्ष पूरे होने के बाद ही बेटी की शादी करने पर सहमत हो गए। हुआ यूं कि जनपद के भंडारी गांव में आज शुक्रवार को एक शादी की तैयारियां चल रही थी, आज ही बारात आनी थी। एकाएक वन स्टॉप सेंटर की टीम गांव के उस घर में पहुंच गई जहां शादी होनी थी। टीम को भनक लगी थी कि जिस लड़की की शादी हो रही है वो नाबालिग है। टीम के सदस्यों ने लड़की को बुलाया और उसकी काउंसलिंग की। परिजनों ने बताया कि उनकी लड़की की बारात सेराघाट से आनी है। टीम ने लड़की का हाई स्कूल का प्रमाण पत्र देखा तो पाया कि उसकी उम्र प्रमाण पत्र के अनुसार 17 वर्ष है। इस पर टीम ने चर्चा की और लड़की के माता पिता व गांव के बुजुर्गों को कानून समझाया। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र में बेटी की शादी कराने पर सजा भी हो सकती है, ये कानूनी अपराध है। जिस पर माता पिता मान गए और उन्होंने शपथ ली कि एक वर्ष पूरा होने के बाद ही वो बेटी का विवाह करेंगे। टीम ने गांव के अन्य लोगों को भी जागरूक किया, बाल विवाह पर पूरी तरह रोक लगाने को कहा। इस दौरान वन स्टॉप सेंटर प्रबंधक षष्टि कांडपाल, अधिवक्ता मंजू पांडे, निरीक्षक टी आर बगरेटा, SI राजेंद्र सिंह, बालकृष्ण, मदन बिष्ट, राजकुमार, वीरेंद्र परिहार, ममता आर्या, पदम सिंह, प्रकाश गिरी आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड की ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।